Designation is uh, General Manager Inventory Management and uh, the role and responsibilities are to ensure smooth flow of material to user department and uh, I am maintaining the inventory of uh, more than 2,000 items particularly of uh, transmission and uh, distribution network. mindset utility इस डिपार्टमेंट में मैं समझता हूं कि मैं बिल्कुल सेटिसफाइड हूं कि जो भी रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं और जो भी टारगेट्स होते हैं वो अपने वक्त पर पूरे किए जाते हैं कि इसी कि इस वक्त जो पावर की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो आस्ता आस्ता विद दी ऑफ पॉपुलेशन वो भी बढ़ रही है तो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में ये मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन्स uh, डिवाइस uh, uh, कर रही है वो बड़े इफेक्टिव हैं शार्ट टर्म मिसाल के तौर पर रेंटल पावर है या कुछ ऐसी पावर एनर्जी जनरेशन जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ के ऐसी कॉन्ट्रेक्ट्स भी कर रही है या जैसे बिन कासिम पावर स्टेशन में एक और एक्सटेंशन हो रही है बहुत बड़ा पावर स्टेशन लग रहा है जिसकी uh, काफ़ी कोशिश की जा रही है और इन शाह ये अपने टाइम पर और अपने टारगेट पर पूरा होगा लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग मैं समझता हूँ कि के सी से ज़्यादा कहीं दूसरे डिस्कोज में हो रहा है तो दूसरों को भी देखें लोग यहाँ के ए सी के जो के ए की सर्विसेज हासिल करते हैं वो जा कर के दूसरे डिस्को डिस्कोज में हैस्को में जाएँ लेस्को में जाएँ इस्लामाबाद कंपनी में जाएँ वहाँ जाकर के देखें तो मैं समझता हूँ कि उनको पता चल जाएगा कि के ए कितना लोगों को बेहतर तरीके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हाँ लोड शेडिंग है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स ये सिर्फ अभी के नहीं हैं प्रॉब्लम्स बहुत पुराने प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि के ई के, के बारे में ऐसा जहन बना लिया जाए कि जनाब के ई पता नहीं क्या कर रही है नहीं के ये सी के लोग और के ये सी के मैनेजमेंट सिंसियरली इस कोशिश में है कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए हमारा डिपार्टमेंट देखिए ये जो भी रिहेबलीशन ऑफ सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो ट्रांसमिशन हो उसके लिए इन्वेंट्री uh, मैनेजमेंट का रोल ये है के जो मटीरियल उनको रिहेबलीटेशन के हवाले से चाहिए वो हम यहाँ प्रोवाइड कर सकें तो हमारा जो टोटल जो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है जिसमें प्रोक्योरमेंट है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और दूसरे भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं तो हमारी ये कोशिश है इन कोऑर्डिनेशन विद द यूजर डिपार्टमेंट कि हम जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है उस मटेरियल को हम यहाँ पूरा करें ताकि रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो रिहेबिलटेशन का काम सफर ना हो इंटरप्ट ना हो और जो भी प्लानिंग रिहेबलीटेशन के लिए हो रही है वो उस प्लानिंग को अपने वक्त पर अपने टारगेट के मुताबिक हम पूरा कर सकें और इन हम हमें उम्मीद है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे